और बात करेंगे रायपुर की। सीएस के जवान ने खुदकुशी कर ली है। खैरागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम घाघरा के बेस कैंप में ये तैनात थे। सीएस के जवान ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारी। जानकारी के मुताबिक सीएस के जवान का नाम अब्दुल साहिद खान है, झांसी का रहने वाला है। ये जवान आत्महत्या का कारण अभी अज्ञात है। घटना लगभग रात 8 बजे के आसपास हुई है। सीएस के जवान ने खुदकुशी की। आपको बता दें रायपुर की खबर यह है, अपनी ही बंदूक से खुद को और गोलियां मारी है जवान ने। खैरागढ़ के ग्राम घाघरा के बस कैंप में यह जवान तैनात था, झांसी के रहने वाला था। अब्दुल साहिद खान नाम बताया जा रहा है। आत्महत्या का कारण अभी तक फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, जांच की जा रही है। अधिक जानकारी की सुप्रिया जुड़ रही हैं। सुप्रिया, आए दिन हम देखते हैं जवान किसी न किसी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और खुद को मौत के घाट उतार देते हैं, और फिर से एक नया मामला, जवान ने खुद को गोली मार ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पूरी जानकारी, आखिर क्या वजह रही कि जवान ने खुद पर गोली चला दी? जी, राजनांदगांव के एक जवान है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। एक जवान है, वो सीएएफ के जवान जो है वो कहे जा रहे हैं, और साथ ही जवान जो थे वो काफी खुश मिजाज भी थे। अचानक से उनका खुदकुशी करना, मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन भी एक तरह से सकते में आ गया, क्योंकि ये जानकारी आ रही थी कि राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर खैरागढ़ ब्लॉक में मुख्यालय के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम घाघरा के बेस कैंप में तैनात सीएएफ के जवान ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारी है और ये मारकर जो है आत्महत्या कर ली है। घटना की जांच की जा रही है कि आखिर जवान ने अपने आप को गोली क्यों मारी है। इसकी पुष्टि भी है वो एसपी जितेंद्र शुक्ला ने की है। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र घाघरा बेस कैंप में ड्यूटी के दौरान तैनात सीएएफ का जवान जो है, जिसका नाम अब्दुल शहीद खान बताया जा रहा है, जो झांसी का रहने वाला है, ड्यूटी के दौरान जो है छत्तीसगढ़ में जो है ड्यूटी कर रहा था, और ड्यूटी के दौरान वो अपने रूम में ही अपने बंदूक से जो है गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। एक तरफ तो रायपुर पुलिस जो है वो स्पंदन अभियान चला रही है ताकि जवानों को जो है वो तनाव से मुक्त किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ जो है जवानों की जो आत्महत्या का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपके साथ जुड़ेंगे।